तो गाइस एक और बांग्लादेश का एक बांग्लादेश में क्या इंडिया में भी है लेकिन वो आप घर पे रेसिपी कैसे बना सकते हैं वो भी दिखा रहा हूँ। आई थिंक ये है, ये देखिए तो बंदा बना के दिखा ये वाला। तो इसका फुल प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। तो बंदे ने आलू छीला है, ये तो कर दिया, ज़्यादा तीखा मत करना। ओके हाँ, और ज़्यादा ऑयली मत, थोड़ा ऑयल कम हो। या मस्त फूल की तरह बना। एक है दादा, ये मसाला बेसन। अच्छा अच्छा, मसाला बेसन है, मैदा है। अच्छा मैदा है, और ये कर दिया। इसके बाद एक ब्रेड क्रम्स है, ये क्या बोलते हैं इसको, ब्रेड क्रम्स। अच्छा ब्रेड क्रम्स, पता नहीं गाइस, पता नहीं ये क्या है, ज़्यादा बता रहा है लेकिन मुझे नहीं पता। इसको दही, अच्छा अच्छा उसमें डाल दिया अंदर। अब होने के बाद मिलते हैं। ये फाइनली इन रेडी, तो आइए इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। ठीक है, प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 30 रुपीज़ 30 टका। ओके, तो वीडियो देखने के लिए, अगर ये पूरा चैनल, ये वीडियो पूरा फूड के ऊपर ही है, आप होममेड घर पे भी बना सकते हो, काफ़ी बढ़िया बना है, अच्छा बना है और बहुत कम टाइम लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हम पी रहे हैं एलोवेरा का जूस। ओके, ये एलोवेरा है, एक ही नाम है दादा, हाँ तो ये कोई जानता हो तो समझ लेना, ठीक है। टोटल आयुर्वेदिक है, हेल्थ के लिए अच्छा है, हेल्थ इज गुड। हाँ, और ये कुछ की नेम, दाल माखना कुछ बोलते हैं, कुछ आयुर्वेदिक है लोग का, जो भी बनाते हैं हेल्थ के लिए अच्छा है। बाकी इस वीडियो में पूरा फूड ब्लॉगिंग फूड के ऊपर रहेगा एक्चुअली, क्योंकि बांग्लादेश का जो फूड ट्राई करेंगे कि कैसा कैसा होता है, बाकी तो टूरिज्म तो लगा ही रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कल भी एक ट्राई किया और आज भी, और भी कुछ ट्राई करेंगे। मिलते हैं, ये कुछ नया डिश ट्राई कर रहे हैं हम लोग। दादा की नाम है, नाम ना 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 जूस की बोल रहे, नाम अच्छा एलोवेरा शरबत। तो गाइस एलोवेरा शरबत पी रहे, बनाओ दादा। वो इसमें से काट के नहीं बनाएंगे, अच्छा बना चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, गाइस एलोवेरा शरबत है, देखते ट्राई करते कैसा है। बहुत अजीब सा टेस्ट है, आई थिंक पूरा देख रहे हो, बहुत अजीब सा टेस्ट है, थोड़ा सा खड़वा लग रहा है, लेकिन एनीवे अच्छा चीज ऐसे ही रहता है। ये देखो क्या हो रहा है, बोलते जाओ ये क्या क्या है, क्या ये नहीं बोलने का भी समझ नहीं आ रहा, जाने दो ना।
वॉइस आई थिंक लैंग्वेज डिफरेंट. ये बहुत जबरदस्त पता नहीं क्या है दादा इसका नाम क्या है नेम दिस प्लेट नेम 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 नाम क्या है नेम सॉरी पुस्का. ओके गाइस अपने इधर पानी पूरी होता है ना लेकिन थोड़ा डिफरेंट है आई थिंक थोड़ा डिफरेंट एकदम डिफरेंट है खाली ये सेम सेम है. एनी वे टेस्ट देखते हैं. आई थिंक थोड़ा स्वीट है ये. इसको क्या बोलते हैं कैरी का कच्ची कैरी का रस. हाँ ये कच्ची कैरी का रस हम बना रहे हैं देखते हैं भाई कैसे बना रहे दारा, दारा, दारा। आपने पक्की कैरी का बहुत रस सुना होगा लेकिन आज कच्ची कैरी देखते हैं. धो दिया है बंदे ने ये. मतलब पक गया है लेकिन anyway, उतना वो नहीं है. मैं अच्छा ये नमक है तो कुल्फी मंगाई बस जाती नहीं. ये आइस आम ट्राई कर रहे हैं भाई देखते क्या है. आपने पके हुए आम का खाया होगा लेकिन हम कच्चे आम का खा रहे हैं देखते कैसा थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है. अच्छा गया लेकिन अच्छा इसमें पुदीना डाला गया ना पुदीना सही है एक नंबर है अच्छा लगा. गाइस ये क्या पता है आपको हम लोग बोलते हैं समोसा ठीक है और ये लोग बोलते हैं सिंघाड़ा. देखो कैसा है आई थिंक इसमें सब्जी भर दिया गया सिंगाड़ा तो चटनी वटनी नहीं है टेंटा का ठीक है. सब्जी का अपने इधर का अलग ही चीज होता है. आराम से देखते दूसरे देश में है तो थोड़ा आराम से ही चलेगा. चलो ड्राइवर चलो कितने जा रही है पंजाब जा रही है साढ़ा पंजाब का पुत्र पंग आज आपको राइट में हाँ आराम से यहाँ से लो ना मेन रोड है वो अंदर है यहाँ से लो